हाय दोस्त नमस्कार, आशवान ऑटो डोबाल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डीजल गाड़ी का टंकी साफ करना क्यों जरूरी है। ये बोलेरो गाड़ी है, इस तरफ देखिए, ये बोलेरो गाड़ी है, इनका मैं टंकी क्यों साफ कर रहा हूँ। तीन गो इंजेक्टर बैक लीकेज हो गया, खराब हो गया। वो वीडियो आपको देना था मगर मैं आपको दे नहीं पाया। हुआ क्या था, गाड़ी जब आया मेरे पास तो इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। ये स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी टाइम। तो इसको हम लोग चेक किए, मैनुअली चेक किए, इंजेक्टर को चेक किए, इंजेक्टर तीन इंजेक्टर बैक लीकेज था। मुझे वीडियो आपको नहीं दे पाया, मुझे खराब लग रहा है, मगर तीन इंजेक्टर बैक लीकेज था। इंजेक्टर खोले हम लोग, और इंजेक्टर क्यों खराब हुआ, इंजेक्टर तो साधारण खराब होता नहीं, क्यों खराब हुआ। खराब होता है अगर टंकी में कचरा है तो खराब होगा, या डीजल फिल्टर खराब है तो खराब होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ टंकी साफ करना क्यों जरूरी है। खुलिए फटाफट टंकी को। आराम से देखिए टंकी का, मैं स्पोर्ट खोल रहा हूँ, जाली खोलेंगे, यहीं से पता चलेगा कि इंजेक्टर क्यों खराब हुआ। बहुत सारे मिस्त्री भाई हैं जो इंजेक्टर खराब होता है, नॉर्मल सी बात है, इंजेक्टर खराब है तो इंजेक्टर का काम कर दो, गाड़ी को छोड़ दो। मगर होता है क्या, इंजेक्टर का काम करने के बाद गाड़ी चलता भी है, दो दिन चार दिन एक सप्ताह चलने के बाद, 15 दिन चलने के बाद, ज़्यादा एक महीना चलेगा, और उसके बाद गाड़ी खराब हो जाता है, इंजेक्टर दोबारा फिर से खराब हो जाता है। और इंजेक्टर काफ़ी कॉस्टली है, एक इंजेक्टर बनाने में काफ़ी पैसा लगता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर भी परेशान हो जाता है, छोटा सा गलती कस्टमर को परेशान कर देता है। ऐसा क्या कुछ कमर्शियल गाड़ी में दिखाया गया है, देखा गया है कि इंजेक्टर की वजह से गाड़ी बिक्री करना पड़ा है। और ऐसा का हो रहा है, इंजन निकलता है, निकल का ही नहीं रहा, सही से निकालो तोड़ मत देना। आई एक साथ में तो पूरा सीधे बिरा बे, तो बड़ा हो गया क्या टंकी, मोटर बड़ा हो गया, मोटर ना होता तो जाम ही होगा, जाम ही हो रहा है। इससे पहले तो हम इतना बड़ा इसको पार कर लेते तो जाम नहीं होगा। ये लो लगता है इसको तोड़ेगा, लगता है तोड़ेगा, सब खुलेगा, आधा 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 तोड़ पड़े, आधा तोड़ा नहीं है, गलत एक हाथ मंदिर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा नहीं, मगर इसका जो नीचे का जो हिस्सा है ना प्लास्टिक वाला, वो इसके अंदर निकालने के लिए कुश्ती करेगा। प्लास लो ना प्लास, अरे प्लास लेके आओ ना, कुश्ती करेगा, मोटा बहुत किया ना, बैंक इस तरह होता है ना, उसी तरह प्लास से पकड़ो, अब तार मत देना, अरे प्लास से पकड़ो, सिर्फ टालो मत, प्लास से पकड़ो, प्लास से पकड़ो, फिर इसको डबल से चारों तरफ हल्का हल्का चाप, हाँ अब उस तरफ इसको डबल लगाओ, हाँ लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, पतला स्क्रू में लेके आओ ना, हेल्पर हेल्पर के तरह काम करो ना। पता नहीं कभी लोग डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडरी तो कर नहीं पाता है, बोलेगा कैंची छुरी लाओ हम पेट काटेंगे। अरे पहले क्या चीज के कौन सा टूल्स के बाद कौन सा टूल्स लगेगा इसको तो सीखो। आज देखिए मिस्त्री भी उसी तरह क्या करे, निकाल दिया, आखिर ये लोग निकाल ही दिया। ओ अच्छा, चलिए टंकी से फ्लोट बाहर निकल गया, इसके अंदर देख लीजिएगा, तेल को बाहर निकालो, स्क्रू ड्राइवर लगाओ इसके अंदर, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लगाओ, तेल तेल पहले गिरा दो नीचे, तेल पहले नीचे गिरा दो, सिर्फ तेल नीचे गिराओ, तेल नीचे गिराओ, गिराओ नीचे, हाँ अब देखा बन के नीचे क्या आ जाएगा, मेरे तरफ लेगा इसको डाइवर्ट से, इसको हिला, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, इतना सारा कचरा, पता नहीं क्यों मैं देखता हूँ, बोलेरो का महिंद्रा में ज़्यादा इतना कचरा कैसे आ जाता है,
ज्यादातर बोलेरो गाड़ी नहीं में देखते इतने कचरा आता है, बाकी गाड़ी खुलते तो कचरा नहीं रहता है, सुमो में नहीं रहता है, बाकी स्कॉर्पियो का नहीं रहता है, पता नहीं क्यों बोलेरो में इतना कचरा कहाँ जाता समझ में। ये देखिए लोग कचरा नहीं पीता है, देख रहे ना ये पूरा जाली जमा, जाली की देखा हो, ये पूरा जाली लॉक हो चुका है। अब होता क्या है, यहाँ से जो कचरा होता है कुछ निकल करके टैंक के डीजल फिल्टर से होते हुए चला जाता है इंजेक्टर में, पंप में, पंप से इंजेक्टर में और इंजेक्टर बैक लीकेज हो जाता है। एक कारण और, अगर ये तेल क्लियर नहीं जाएगा यहाँ से तो भी इंजेक्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पंप में प्रेशर पड़ता है, इंजेक्टर खाली रहता है और वो हीट होता है, इसलिए इंजेक्टर खराब हो जाता है। अगर तेल क्लियर नहीं जाएगा तो इनको तेल का लाइन हमेशा सही रहना चाहिए। और आपका जो कस्टमर है उनको एक चीज बता दीजिए कि वो तेल हमेशा गाड़ी में आधा टैंकी या 20 लीटर का ऊपर रखे, क्योंकि तेल नहीं रहने से इंजेक्टर खराब होता है। इसका कारण कुछ भी नहीं, शायद ये गाड़ी का मालिक अगर पहले से साफ करा लिया होता तो हमको लग रहा है कि इनका इंजेक्टर खराब नहीं होता और इतना पैसा का लॉस नहीं होता। तो यही है वीडियो जो आपको मैंने दिखाया, तो चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी इंजेक्टर का प्रॉब्लम आए तो आप लोग डीजल फिल्टर और टैंकी का जरूर साफ कर लीजिए, नहीं तो आप जो इंजेक्टर बना करके फिटिंग कीजिएगा वो भी खराब हो जाएगा। एक इंजेक्टर लगा हुआ देख रहे हैं, बाकी तो खोला हुआ, तीन इंजेक्टर हम खोल के इनको मिस्त्री के पास भेजे और टैंकी के अंदर सफाई लग रहा है, पता नहीं बोलेरो में ऐसा कराया हो तो खाली इसका जालिए जमा हो जाता है, ये बोलेरो का प्रॉब्लम है। और बस दोस्त इतना ही, इतना ही आपको देना था जो वीडियो है। वीडियो को आपको अगर अच्छा लग गया होगा, जाहिर सी बात अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लग गया होगा तो अब इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा, कॉमेंट कोई गलती हो गया हो या कुछ अलग से हो गया हो तो कॉमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। तो कमेंट कीजिए, हमको कमेंट बिंदास कीजिए, उसके लिए कुछ नहीं लगता है, कमेंट करते रहिए। और जो मेरा चैनल है पासवान ऑटोमोबाइल से, उनको सब्सक्राइब कीजिए और पासवान ऑटोमोबाइल चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप टच करके उनको आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास आता जाए। ठीक है दोस्त, रखते हैं, एक चीज़ ख्याल रखिएगा हमेशा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हंसते जरूर रहिए, अगर आप हंसते रहते हो तो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास काम कीजिए। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, एक वीडियो एक स्किल बनना चाहिए और हर एक मिस्त्री भाई जो काम सीखना चाहते हैं वो मेरा वीडियो देख करके पूरा काम सीख ले। अगर आप लोग सीख जाते हो, आप लोग समझ जाते हो तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाता है। और यही मेरा मकसद है कि जितना मेरा मिस्त्री भाई है सब बढ़िया से बढ़िया सीखे और अच्छा से अच्छा काम करे और उससे अपना घर चला पाए, रोजगार कर पाए, फैमिली को चला पाए। तो इसीलिए वीडियो देख करके आप लोग सीखिए, पूरा सीखिए। ये जो नेट है ना, नेट हम लोग इंडिया में सस्ता है बाकी जगह से, बाकी कंट्री से इंडिया में सस्ता है। कारण यह है कि हमारे देश को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं सरकार, इसीलिए यहाँ पर नेट सस्ता रखा गया है। तो इस नेट को गलत इस्तेमाल मत कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए, जो काम का चीज़ है उसी को देखिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। रखते हैं भाई।